ना मैं कह रहा था इनमें से कोई गिरेगा, देखो R15 वाला गिर गया अरे भाई, तो पेड़ जोर की तोड़ दिया इसने तो। We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप चैनल का नाम देख सकते हो, चैनल का नाम डायने द विश की जगह हो चुका है राइटर त्यागी, और वो मेरा मतलब खुद से मैंने किया है। इसमें कुछ वो नहीं है कि क्यों चेंज कर दिया, क्योंकि यार मैं कुछ सोच रहा था वो मैं आपको राइड पे चलता हुआ बता दूंगा। और कमेंट करके बताओ कि ऐसे भी कोई फिक्स नाम नहीं है ऐसा कि तुम्हें डायने द विश पसंद है या फिर राइडर त्यागी 46 जो कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। तो अभी बहुत लेट हो रहा है क्योंकि आज गुड़गांव नहीं जा रहे, क्योंकि बहुत सारे मतलब काफ़ी टाइम से हम गुड़गांव जा जा रहे हैं राइड पे। तो आज हम चल रहे हैं जेवर, ठीक है, नोएडा चलते हैं जेवर। तैयारी हो चुकी है सारी, ये मेरा आ चुका है देख लो, ब्लू आर्मर का मैंने इस पर लगा लिया इंटरकॉम, नया लेके आया था ये मैं, इसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया था कोई भी, सीधा खुद ही सेट कर दिया था मैंने। यहाँ पे गोप्रो लग गया, सब कुछ रेडी, जैकेट वहाँटा की रही है, शूज़ वगैरह अपने रेडी हैं। तो किस बात की दे रही है वो रिचा भी, चलो बाइक पर मिलते हैं। तो आ गया सुबह सुबह, बाइक ने दिखा दिया खर्चा, मजाक कर रहा हूँ, तो हमेशा ही होता है। देखो फ्यूल लिखा रहा है ना, तो फ्यूल हो गया बाइक का मेरी का ख़त्म। अब चलते हैं पहले पेट्रोल पंप पर, इसको कराते हैं रिफिल। तो बाइक में आया है 1900 रुपये का फ्यूल पूरा, 1900 रुपये का फ्यूल पी गई मेरी बाइक सुबह सुबह, मतलब वही 2000 रुपये का, 1910 या 20 समथिंग था। और पीछे शेखर भाई यहाँ रखे अपनी ZX10R पर, जिसका नाम है गोकू, और मैंने उनको वहीं बुला लिया यार, सोसाइटी के बाहर बेचारे वेट कर रहे थे। मैंने कहा यार टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो एक काम करते हैं तुम अभी फ्यूलिंग करानी है वहीं पे आ जाओ। तो चलो प्रभात के पास चल रहे हैं, अक्षरधाम के बाहर खड़ा हुआ है वो, कह रहा जल्दी वीडियो बना दो। दुनिया का काम बदनाम कर सोनिए, जट जो भी कर से, क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया, फाइनली हमने ही बुला लिए। कैसे हो? बढ़िया, आज तो कैडी राइड होगी लंबी तुम्हारी। दुनिया का काम, ये कौन है? कह रहा हाँ है वही है, H2R फर्स्ट इन इंडिया। भाई लाइन अप अपना आ गया, 10R 10R BMW S1000 RR, 1 2 3 4 10R, 1 S1000 RR, और KTM वाले भाई भी इन लोगों के साथ, मतलब प्रभात के साथ हैं, और जीनोस और बेनेली। चलो, और एक आधा ग्रुप हमारा ऑलरेडी पहुंच चुका है वहाँ। गाइस मुझे लगा साला मेरा GoPro ऑन है, इतनी बड़ी बेवकूफ पंती मेरे से हो गई है, मेरा GoPro ऑफ था। और अभी एक पुलिस वाली जीप आई, उसमें दो लोग बैठे हुए थे, मतलब पुलिस वाले थे, दो वर्दी में बैठे हुए थे, यंग थे, और इतना बढ़िया और प्यारा नेचर दोनों का। कह रहे भाई आप लोग अभी इधर से आए हो? मैंने कहा नहीं, हम तो सीधे जा रहे हैं। बोलते यार कंप्लेंट आई है, साइड से स्टंट हो रहे हैं, और क्या कहते हैं आपने तो नहीं करे? मैंने कहा एक बार मेरी बाइक देखना, मैंने कहा इस पर स्टंट करने के लिए गट सही है और एक्सपीरियंस सही है, और हम शादीशुदा हैं सारे, हम ये हरकतें नहीं करते। तो कह रहे यार चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है। फिर कह रहे यार पता नहीं कौन था, कंप्लेंट आ रखी है। मैंने कहा भैया एक काम, मुझे पता है पतली टांग के होंगे, जिनकी टांगें पतली पतली सी होती है, और होंगे मतलब KTM वेटिंग में R15 R15, मतलब क्योंकि वहाँ पे लोग कर रहे थे उनसे। मैं बाइक को बुरा नहीं बोल रहा हूँ किसी, ठीक है, बाइक सारी बढ़िया, राइडर जूतियाँ होते हैं। मैंने कहा भैया वो होंगे पतली टांग के, और सांप बन रहे होंगे ऐसे 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 करके, सांप से जो बन जाते हैं। और पुलिस वाला इतनी तेज ऐसा कह रहा है भाई यार तुम तो गने कह रहे हो। मेरे लगा मेरा GoPro ऑन है, फसाद रिकॉर्ड करूँ, वहाँ साला ऑफ पड़ा था यार। ये भाई टूरिंग कर रहा है कहीं, पीछे लगेज लगा हुआ बाइक पे। जो मतलब मौसम हो रहा है ना वो थोड़ा जहरीला सा हो रहा है, मतलब कि हल्की सी गर्मी है, हल्की सी हवा है, ऐसा ही मौसम रहा तो देखो मज़े से आ जाएंगे अगर हवा है तो। और जो वाइज़र के अंदर से मैं देख रहा हूँ ना, इतना प्यारा लग रहा है, क्योंकि वाइज़र का ब्लैक है वाइज़र, और जैसे ही वाइज़र खोलता हूँ ना ये देखो, तो मूड से ख़राब हो जाता है बस, वरना वाइज़र के अंदर तो आ रहा है मज़े। ये शेखर भाई को क्या हो गया, ये क्यों इतना पंप हो गए? उन्हें गुस्सा आ रहा है, उनका हेलमेट आना था थाईलैंड से और शूज़ आने थे, कह रहे हैं वो अभी तक नहीं आया, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, इसलिए वो आराम से चलाऊँगा। और देखो कैसे आराम चला रही है, देखो ये अश्विन गया है। भाई सारे घोस्ट राइडर हो जाते हैं हमारे, बीच बीच में करंट लगता है सभी।
हालांकि मुझे भी लगता है देखो रेंजर भाई को करंट लग गया, तुम्हारा भाई यहाँ पे रेस्ट करता हूँ आराम से चला रहा है। देखो एक हाथ रखा हुआ है यहाँ, दूसरे से थ्रोटल, आराम आराम से और प्यार से राइड। यार यहाँ क्या हुआ है, क्योंकि ऐसे यहाँ पे जाम वाम लगता नहीं है कभी, मैं कह रहा हूँ तो कभी जाम। अरे बहन चोद वही तो बोल रहे हैं, तो खुली रोड है। अरे यार किसी का एक्सीडेंट हो गया क्या? अरे वैन का तगड़ा एक्सीडेंट हो गया भाई, अगर एक्सीडेंट होता तो एक साइड तो चलती। अरे अभी हुआ करो। अरे यार क्या देखने के मिल रहा है। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, पलटी पड़ी है अभी हुआ है। हाँ अभी हुआ है तभी तो जाम लग रहा है। चलो 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 भाई, गाड़ी सुनने में एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी से, और गाड़ी पलट गई है पूरी ऐसा बोल रहे हैं, वरना यहाँ पर लगता नहीं है जाम ऐसे। अरे भाई तो पेड़ वेड़ भी तोड़ दिए इसने तो, और भाई टम्पू पलट गया है तो भाई पूरा, ये भगवान बस किसी के लगी ना हो। अरे फक भाई पूरा ऑयली ऑयल हो गया। हम सुबह सुबह रोड पे चलते हैं तो ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, मतलब बस उम्मीद ये करते हैं कि जिसके साथ भी ऐसा हादसा हुआ हो, सबकी फैमिली होती है यार देखो, है ना, जिसके साथ हादसा हुआ हो वो ठीक हो, बस भगवान आदमी की जान बचा ले, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखो V4 जा रही है मेरी फेवरेट बाइक, लेकिन यार डुकाटी के साथ दिक्कत ये है, एक तो उसका मेंटेनेंस और दूसरी बात ये कि इसका एग्जॉस्ट वगैरह जो बहुत महंगा आता है, और ये मतलब इतनी इलेक्ट्रॉनिक है बहुत जल्दी ख़राब होती है, क्योंकि अभी मैं ट्रैक पे गया था वहाँ बता रहे थे लोग। हालांकि ये मेरी फेवरेट बाइक है V4, कभी 10R से मेरा मन हटा तो उसके बाद मेरी जो नेक्स्ट बाइक होगी वो डुकाटी V4 ही होगी, लेकिन अगर उसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ मिल गया बढ़िया प्राइस में मिल गई तो। बाकी S1000R भी मेरे को पसंद है। अरे यार ये तो भाग ही जा रहे रुक ही नहीं रहे, मुझे F मोड में बाइक डालनी है। ये एक यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है जहाँ पे हम थोड़ा बहुत लीन कर सकते हैं बस ये, और वो पूरे यहाँ पे एक्सप्रेस वे पे सीधा ही है, फिर कहीं नहीं है। यमुना एक्सप्रेस वे पे आपका स्वागत है। चलो ये डाल दिया मैंने F में, अब चलते हैं। कुणाल भाई मेरे लिए रुक गए, अरे मैं तो मोड चेंज कर रहा था यार, लेट्स गो। मैं सारे पीछे रह गए क्या यार, प्रभात और मैं आगे आ गए, सारे पीछे दिख रहे हैं हमें तो, क्या हो गया भाई इतने पीछे क्यों रह गए सारे, हम ही दोनों आ गए, सब पीछे पूरा ग्रुप पीछे हो गया हमसे। बहन जो कहाँ रह गई है? पता नहीं कहाँ गए सब, हल्की हल्की ट्रैक करते हैं आगे जा, सीधी रोड आएगी। पीछे यार मैं आजकल भगाता नहीं, वरना पीछे तो मैंने सब ही कर दूं भाई, लेकिन भाई जो बात है, फिर बात बाइक बहुत कड़ी चलाता है क्योंकि नेकेड बाइक है इसकी, और मुंह पे हवा भी लगती है, स्टिल वो बढ़िया चलाता है। अरे कहाँ गई BMW, आ क्यों नहीं आगे को,
डीजे ने टोटल भी छोड़ा था कि एक भाई आ गए दोबारा ट्राई करते हैं। सो गाइज मैं आपको बता दूं ये जो BMW S1000 रेजल भाई की है ये स्टेज 2 ट्यून है और ये 300 प्लस भाग जाती है क्योंकि इस पर ट्यून करा रखा है। हमारी अभी स्टॉक ही है मतलब 299 खाली 300 जाती है क्योंकि हमने इसको अभी वो नहीं कराया ट्यून नहीं कराया। अगर मोर माफिया से इसको वो करा देना मोर माफिया का ला के इसमें कर दें बहन और दो तीन चीज़ कर दें और मज़े से आ जाएंगे भाई ऐसी जाएगी। 300 तो कुछ है ही नहीं फिर इसके लिए 320-330 ऐसे गोली चली जाएगी लेकिन बाहर की कंट्री में होता है यहाँ तो 300 इतना भारी पड़ जाता है रोड ही ऐसी अपने को। सो ड्रैग रेस करेंगे अब उस साइड से आगे पहले खाना वाना खा ले उसके बाद करते हैं अभी गला भी पूरा सूखा हुआ है यार ऐसे मन भी नहीं कर रहे। देखो क्रूज कंट्रोल लगा के 10 आर में सोते हुए जा रहे हैं कुणाल भाई। तो भैया आ गया अपना ब्रेकफास्ट पॉइंट जहाँ हम रोटी तोड़ेंगे ये जा रहा है बुलेट है क्या हाँ हिमालयन वही है बुलेट है। भाई यहाँ तो किट्टी हो रही है क्या गाइस तो किट्टी टाइप हो रही है अबे करना क्या चाह रहे हो ये क्या बकचोदी कर रहा है क्या ऐसा हाल है यहाँ पे मंडियां लग रही है सुपर बाइक की जगह है नहीं और ये रिएक्शन यहाँ किट्टी चल रही है आंटी सोच रही होंगी पता नहीं कहाँ गया आज हम मैं भी कर दूँ क्या गड़ 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 पराठे वालों की मुझे कैसा खा रहे हैं बैठे हुए ये देखो और यहाँ पे अपने ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ मैं। गाइस देखो अपनी 10R और ये देखो ZX4R लेकिन ये भाई बढ़िया लग रही है इस ट्रैम प्रो किट ZX वाली डुगाटी 1000 वहां अपनी सारी गाड़ियां कुणाल भाई की 10R और वो देखो वो और ये फुल रेव ये नीचे चल रहा है स्टंट रिजुल भाई की 1000 और ये गाड़ी अपनी बेबी ये दाऊद भाई का ग्रुप निकल रहा है शोर मचाता हुआ भाई अपनी टेंट टच मत कर देना कोई बता रहा हूँ ये दाऊद भाई निकल के भाई के साथ ही देख लो सब अपना वीडियो बना रहे हैं और देखो रुपेश भाई क्या कर रहा है बेटा ये देख रहा है कि हम भी ऐसे करते हैं ये हुए बता रहा होगा भाई ये देखो सारी भाई कह रही है स्टंट शो चल रहा है इनका पूरा ग्रुप यही खड़ा हुआ है भाई यहाँ तो भीड़ लग रही है कैडी स्टंट हो रहे हैं तो नाइन पास ZX10R ZX6R ZX10R ZX10R 1000R ये भाई किन की है आर सी दोस्तों मुझे नहीं पता उधर भी ZX10R उधर बेनेली एक ये रह गई थी ये भी अपनी थी भाई बुरा मत मानना मैं कह रहा था इनमें से कोई गिरेगा देखो R15 वाला गिर गया बहुत देर से क्योंकि एक वीली मार रहा था। अब मेरे को काली जुबान मत बोलना यू चूतिया अरे लग गई ठीक है एंड रगड़ रहा है
यहाँ पे जो रंड पना हुआ वो आपने देख लिया, अब हम चल रहे हैं सारे घेरे फोड़ रहे हैं, ठीक है अपने घर को जा रहे हैं। हम तो हमारे तो फटकी ना देख के मैं घुटने उठने चलेंगे इनके, आराम आराम चलेंगे घर जा रहे हैं। अब ना एक इंस्टाग्राम वाली बना दो सीधी करके, ओके गाइस तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, एक आधी रील बनाई है और अभी जाते हुए भी बनाएंगे, तो वो देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे। और सामने वो बंदे हैं, आप कभी ऐसा मत बनना, रिस्पॉन्सिबल राइडर बनना, पब्लिक प्लेस ही है यार एक तरह की, ये लोग यहाँ से वृंदावन जाते हैं, यहाँ स्टंटबाजी कर रहे हैं, बाइक एक टायर बैठा रहे हैं, नॉट गुड भाई, सीरियसली नॉट गुड। चलो एक ड्रैग रेस मारते हैं नई वाली स्टेनर के साथ। अरे 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 ये कैसी ड्रैग है, भग गई। यस चाचा था गाइस, खेस दिया मुझे तो भाई ने, और मैं इन सब से पीछे था, मुझे लगा ऐसी मजे ले रहे हैं, तो भाई ने तो भागनी चालू कर दी सबने। 1 2 3 तो यहाँ पे मैं एक सेकंड के लिए एक चीज़ बताने आया हूँ कि ये जो ड्रैग हुई थी इसमें जो मेन मेरे पीछे रहने का कारण था वो एक तो S1000 ट्यून थी, दूसरी बात जो 10R मेरे से वो आगे निकली थी, क्योंकि कुणाल भाई को तो मैं हमेशा रेस में पीछे कर देता हूँ ज़्यादातर, वो ये हुआ था कि मैंने बेवकूफ़पंती ये कर दी कि मैंने जो अपने गियर शिफ्ट किए थे ना वो चौथा गियर 118 की स्पीड पर लगा दिया मैंने, मतलब जो तीसरा गियर था वो मेरा 100 से भी नीचे लगा हुआ था, और चौथे गियर से मैं बाइक को ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। और कुणाल भाई ने फिर जब मुझे अपने GoPro की वीडियो भेजी तो उन्होंने जो सेकंड गियर, जैसे हमेशा रेस अगर तुम किसी से करते हो तो सेकंड गियर से हमेशा स्टार्ट करते हैं, तो कुणाल भाई ने वो सेकंड से स्टार्ट किया था, तो इसीलिए जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मेरा चौथा गियर लगा हुआ है और मैंने पाँचवें पर जब मेरी बाइक 256 थी तब मैंने पाँचवें लगाया था, और एक बार मैंने व्लॉग डाला हुआ है मेरी बाइक दूसरे गियर में थी 206 वो, और ये यहाँ पे चौथे गियर में 118 ऐसे हो रखी है, ये रीज़न था कि मेरी जो बाइक है वो पावर ही नहीं ले पाई इनकी, आई होगी 270 कुछ इसका यार, नेविगेशन का कुछ करना पड़ेगा यार, इतनी तगड़ी अभी ड्रैग करिए, 256 आगे थे मैं, 256 पे आ गया था, ये मेरे को थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, ये S1000 आ रहा ट्यून है, कभी कोई ये सोचे, ये देखो वो ट्यून है वो वाला भाई लेवल टू हमारे स्टॉक है, तब भी भाई मैं ऐसे इतना पीछे रहता हूँ गाली, ये भाई इसका कुछ करना पड़ेगा, ये मेरे को दिक्कत देता है यार ऐसे, मतलब झुकने। भाई हमने एक्सप्रेसवे खत्म, हियर इज द एंड। तो भाई एलिवेटेड आ गया यार दोबारा, मैंने बाइक में पेट्रोल डलवाया 1000 रुपये का, 1900 रुपये का डलवा चुका हूँ सुबह, तो टोटल आज मेरी बाइक पी चुकी है 2900 रुपये का पेट्रोल, और उसका रीज़न पता है, उसका रीज़न है आज जिससे मैंने पेट्रोल डलवाया था ना XP100 वो पेट्रोल गलत देता है जो एक्सटेंशन में पंप है, उससे डलवाऊंगा नहीं अब मैं, बेकार तेल डाला है उसने, बेकार तेल डाला था उसने, भाई मैं इसलिए बोल रहा हूं मतलब करना उसका। अरे अब क्या करेंगे, जाके सुबह गए थे, अब क्यों कहेगा भैया हमें क्या पता भाई, अरे ये तो ऑन हो गई टॉर्च ही ऑन हो गई। सो भाई थक गया यार, अब जब राइड से आगे सो गया था और अभी बज रहे हैं 7, ठीक है मतलब 1 बजे करीब मैं सो गया था, 7 बज रहे हैं, अब उठाऊँ पूरी रात की मैं सोया नहीं था, ये कुछ बाहर का हाल है, रात हो रही है, एक जगह काम से जा रहा हूँ, और कुछ भी बोलो मज़े तो आते हैं गाड़ी में, कंफर्ट से होता है, उस साइड से आने में टूट जाते हैं, काफ़ी लंबी राइड हो जाती है, कमेंट करके बताना छोटा सा व्लॉग कैसा लगा आपको। और यार मैं ना मतलब सोचता रहता हूँ कुछ ना कुछ चीज़ें करने की, फिर आज मैं मतलब सीखता हूँ, मतलब बेसिकली मैं हर राइड से कुछ ना कुछ सीखता हूँ, तो आज मैं यही सीख रहा था कि कभी भी ना जैसे हम बाइक को पकड़ के ऐंठ देते हैं ना, बहुत सारे लोग क्या होते हैं बाइक को पकड़ के ऐसे ऐंठ देते हैं, तो उसको बिल्कुल ऐसे ढीले हाथों से ऐंठते हैं ना, तो लॉक मत किया करो, लाइक एक हाथ रख लेते हैं हम ब्रेक के ऊपर और एक रख लेते हैं थ्रोटल के पास, तो ब्रेक से उंगली हटा लिया करो, ठीक है एकदम अप्लाई करने आने चाहिए ब्रेक तुम्हें,
उससे क्या होता है जो तुम उंगली सी अड़ा लेते हो ना ब्रेक के पास ऐसे, इस चीज से तुम ऐसे मतलब रेस देते हो और एक उंगली ऐसे, तो दिक्कत दे देगी कभी ना कभी। और क्योंकि मेरे को आज लगा है ऐसे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हल्का से ऐसे करते हो झटका मारते हो एक दम आगे आके, तो मान लो कोई एकदम से तुमने ऐसे पकड़ा हुआ गड्ढा आ गया, तुम्हारा हाथ ऐसे हो गया तो बाइक भी ऐसे आ जाएगी। तो ये मैंने कहा छोटी सी चीज़ है, घंटा इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये भी शेयर कर दूँ, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए लोगों का, इससे कुछ मिसहैपनिंग होने से बच जाए। चलो कमेंट करके बताना, थक गया हूँ मैं, मेरी वॉइस से पता चल रहा होगा कितनी बैटरी डाउन हो रखी है मेरी। तो गुड बाय, ठीक है, लव यू गाइस, अगले ब्लॉग में मिलते हैं, चलो ठीक।